नमस्ते मित्रों, 15 मई को वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल केएमसी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। केएमसी मतलब कांगारू मदर केयर। आप सबने इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। कांगारू मदर केयर जो है वो ऐसे बच्चे जो अधूरे महीने पे बॉर्न होते हैं या जिनका जन्म का वजन 2 किलो से कम होता है, उन सबको दिया जाता है। जो बच्चे स्टेबल होते हैं जन्म के बाद, उनको जन्म के बाद तुरंत ही ये स्टार्ट किया जाता है। और जो बच्चे सिक होते हैं, उन्हें NICU की ट्रीटमेंट से जब वो स्टेबल स्टेज में आ जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट किया जाता है। कांगारू मदर केयर में जैसे कांगारू अपने बच्चे को पाउच के अंदर रखता है, वैसे ही बच्चे को मम्मी के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रख के ट्रीटमेंट दी जाती है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या है? ऐसा करने से प्री मेच्योर बच्चा जो है उसका टेम्परेचर स्टेबलाइज होता है, हाइपोथर्मिया के चांसेस कम हो जाते हैं, उसका ब्रीदिंग रेगुलर होता है, उसे माँ की हूँफ मिलती है, जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है, सिकनेस में से जल्दी रिकवर होता है और बच्चे का वेट गेन बहुत अच्छा होता है और माँ अपनी सारी चिंताएं भूल जाती है। उसका बच्चा ICU में है फिर तो जिसकी वजह से माँ बहुत स्ट्रेस में होती है वो कम हो जाता है, मदर और बेबी का बॉन्डिंग अच्छा बनता है और इससे डेवलपमेंटली सपोर्टिव केयर का एक हिस्सा माना जाता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अब स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस है सारे NICUs में। कांगारू मदर केयर ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ ही दे सकती है। कई बार माँ अवेलेबल नहीं होती या मदर खुद बीमार होती है, तो ऐसे केसेस में कांगारू मदर केयर कोई भी परिवार का सदस्य, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी दे सकता है। इसमें बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के साथ एक मेंढक की तरह रखा जाता है माँ की छाती के बीच में और उन दोनों को कवर किया जाता है पूरे कपड़े से और एक सेशन में करीबन 1 से 2 घंटा, अगर मम्मी कंफर्टेबल है तो इससे ज़्यादा भी कर सकती है। डिस्चार्ज के NICU से डिस्चार्ज के बाद भी कांगारू मदर केयर घर पे भी किया जा सकता है। मदर को जो भी पोजीशन कंफर्टेबल हो, बैठे बैठे, लेटे लेटे, या उसके लिए स्पेशल कांगारू बैग्स भी आती है और जिसके साथ मम्मी बेबी को कांगारू केयर में लेकर छोटा मोटा हाउस होल्ड काम भी कर सकती है। सो फ्रेंड्स, ये प्रीमेच्योर और कम वजन पे पैदा हुए बच्चों के लिए एक आशीर्वाद समान है। उसको हम जितना हो सके उतना अवेयरनेस इसके बारे में फैलाएं। जो फैमिलीज या जो मदर्स ऐसे बच्चों को डील करती हैं उन्हें कांगारू मदर केयर के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। धन्यवाद। मदर, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बच्चे को केएमसी दे रहे हैं। केएमसी? केएमसी मतलब? केएमसी कांगारू मदर केयर। कांगारू मदर केयर से क्या फ़ायदे हैं? कांगारू मदर केयर से बच्चे का वेट गेन होता है, उसको फीडिंग भी अच्छा रहता है, फीडिंग अच्छा रहता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। ओके, ये बच्चे के फायदे। और आपको कोई फ़ायदा महसूस हुआ है केएमसी के बाद? केएमसी से मेरा ब्रेस मिल्क लेवल बढ़ा है। ओके, और मेरा भी स्ट्रेस कम हुआ है मेरे बच्चे की वजह से। ओके, इतने टाइम से आप जब केएमसी दे रहे हैं तो बच्चे में आपने क्या इम्प्रूवमेंट देखा है? बच्चे का वेट गेन हुआ है। ओके, और उसको भी स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, फिर उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छा रहता है, वो फीडिंग अच्छे से ले रहा है। NICU स्टे मेरा इसकी वजह से, केएमसी की वजह से कम हुआ है। ओके, और केएमसी आप घर पे भी लेना चाहेंगे कंटिन्यू? डेफिनेटली केएमसी घर पे हर एक माँ को लेना चाहिए। केएमसी से आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और बच्चे का भी वेट गेन होगा, आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।